Very good morning, dear students. Welcome back to your computer class. Today we will continue our chapter number 7, electronic spreadsheet. Open your books at page number 119. Let's start the session 1, analyze data using scenarios and goal seek. So before understanding what is a scenario and what is a goal seek, we will understand what is a consolidation of data. Data consolidation means combining information from separate sources into a single report. It means कि जब हम लोग अलग अलग reports में से या अलग अलग sources में से data इकट्ठा करके एक जगह पे उसको रख दें, that is called data consolidation. ये कैसे होता है? हम लोग कैल्क ऑफिस विंडो खोलेंगे, उसमें डाटा टैब में जाएंगे, वहां पे वी विल गेट द कंसोलिडेट ऑप्शन. तो कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वी विल गेट एन अ डायलॉग बॉक्स ऑफ डेटा कंसोलिडेशन. आप लोगों की बुक के पेज नंबर 120 पे फिगर नंबर 7.12 एंड 7.13 हैं. तो उनमें यू कैन सी कि जब कंसोलिडेट पे आप क्लिक करते हो, यू विल गेट द कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स. In that you will choose a function. Here it is choose sum. तो जहां से आपको उस sheet का source sheet, जहां जहां से आपको अपनी sheet का data लेना है, उस sheet का number, उसका column number और row number means cell number आपको देना है, उसमें fill करना है, और then you will click on your sheet जहां आपको वो paste करना है. So you will get the data there. It will copy the simple data. It will not copy the calculated part of our data. Okay? जब copy paste करते हैं हम, तो हमने जो type किया है data, वो हमारा copy paste करने से एक sheet से दूसरी sheet पे आ जाएगा. But अगर हमें calculation वाला portion एक sheet से दूसरी sheet पे लाना है, तो we will use data consolidate. Okay? Creating subtotals. Next is subtotal. Total क्या होता है? You know, कि जितने आपके पास data है, जितने आपके पास columns हैं, उन सब को sum कर देना, that is called total. तो subtotal means उनमें से कुछ values का total करना. तो यहाँ पे page number 121 पे you have two tables. Figure number 7.15 and 7.16. 7.15 में There are employees. Given employees हैं आपको करुणेश, दीपक, कृति. ये तीन employees दिए हैं आपको और उनके अलग अलग डेटाज हैं. तीन तीन चार चार जगह पे उनका डेटा है. तो अगर हमें सिर्फ करुणेश का डेटा निकालना है, सिर्फ उसके जो काम वो कर रहा है उसकी वैल्यूज का टोटल चाहिए, तो दैट विल कॉल्ड सब टोटल. क्योंकि हमें उसमें से पूरा डेटा का टोटल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कुछ वैल्यूज का टोटल चाहिए, दैट इज कॉल्ड सब टोटल. तो सब टोटल क्रिएट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए वी हैव टू ऑप्शंस, वी हैव टू वेज. एक है सब टोटल फंक्शन एंड दूसरा है डाटा टैब में से सब टोटल चूज करना. तो यूजिंग द सब टोटल फंक्शन, सब टोटल फंक्शन कैसे यूज होता है? सब टोटल इज लिस्टेड अंडर द मैथमेटिकल कैटेगरी व्हेन यू यूज द फंक्शन विजार्ड. फंक्शन विजार्ड हमने यूज किया था हमारी फॉर्मूला बार के लेफ्ट हैंड साइड पे एफएक्स लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन विजार्ड. जब हम उस फंक्शन विजार्ड पे क्लिक करते हैं, तो वी विल गेट द सब टोटल डायलॉग बॉक्स. तो उस सब टोटल डायलॉग बॉक्स में हम फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स, उस फंक्शन विजार्ड डायलॉग बॉक्स में हम लोग सब टोटल फंक्शन चूज करेंगे एंड देन वी विल यूज व्हेन वी विल फिल द एम्प्लॉयज और जो भी हमारे कॉलम की हेडिंग है जिसका हमने टोटल निकालना है, उसको हम फिल करेंगे. और कितने कॉलम से, कौन से सेल से लेके कौन से सेल तक हमें टोटल चाहिए, जैसे आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 122 पे फंक्शन 9 रेंज C3 कॉलन C12. कॉलन क्यों लिखा है? C3 से लेके C12 तक कॉलम का हमें क्या चाहिए? सम चाहिए. फंक्शन कौन सा है 9 नंबर पे? सम. ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा सिंटेक्स में. हम अभी आगे करते हैं. ये देखो, ये सारे स्टेप्स लिखे हैं कि आपने
सब टोटल कैसे परफॉर्म करना है। सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है? सी एट द पेज नंबर 122, नीचे आपको एक टेबल दिया है जिसमें फंक्शन इंडेक्स और फंक्शंस लिखा है। अब 9 नंबर पे क्या फंक्शन है? सम है ना, 1 पे एवरेज, 2 पे काउंट, 3 पे काउंटर, 4 पे मैक्स, 5 पे मिनिमम, है ना ये। तो 9 पे क्या है? सम। तो हम लोग ऊपर फंक्शन एफ एक्स या फंक्शन विजार्ड में, वहां हम फंक्शन का नंबर देते हैं, इंडेक्स देते हैं कि हमें 9 नंबर फंक्शन लगाना है। कौन सी रेंज में लगाना है? सेल की रेंज दे देंगे। ओके, तो सब टोटल के लिए दो चीजें हैं, एक फंक्शन और एक रेंज। नाउ दूसरा मेथड सब टोटल्स का है यूजिंग डाटा टैब। तो डाटा टैब में से हम सब टोटल चूज करेंगे, तो अगेन वी विल गेट द सेम सब टोटल का वो टूल जो हमें पहले मिला था, टूल बॉक्स वो मिल जाएगा। उसमें हम लोग फंक्शन चूज कर सकते हैं, सम फंक्शन, कौन से कॉलम की हमने सब टोटल निकालना है उस कॉलम को चूज करेंगे और ओके करेंगे, तो वी विल गेट द आंसर। नाउ यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियोस। अब आगे सिनेरियो। अब सिनेरियो क्या होता है? सुना कभी किसी ने व्हाट इज अ सिनेरियो? नो, सिनेरियो इज एसेंशियली अ सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज फॉर योर कैलकुलेशंस। आपकी कैलकुलेशंस के सेल वैल्यू का एक सेव्ड सेट होता है सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्टेड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन एन इन्वेस्टमेंट, यू कुड एड अ सिनेरियो फॉर ईच इंटरेस्ट रेट एंड क्विकली व्यू द रिजल्ट्स। मतलब आप लोग डिफरेंट अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स का इफेक्ट ढूंढना चाहते हो एक इन्वेस्टमेंट। आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, उस पर अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगाया, उसका इफेक्ट क्या होगा वो कैलकुलेट करना चाहते हो, तो इसमें हम लोग सिनेरियो ऐड कर सकते हैं हर एक इंटरेस्ट रेट के लिए और क्विकली फाइंड आउट आवर न्यू रिजल्ट्स। सो सिनेरियो एक टूल है जो व्हाट इफ क्वेश्चंस का आंसर देता है। मतलब अगर ये हो तो, अगर ये इंटरेस्ट 5% हो तो क्या हो, अगर ये इंटरेस्ट 2% हो तो क्या हो। ईच सिनेरियो इज अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। ओके, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? क्रिएटिंग सिनेरियो, सिनेरियो कैसे क्रिएट होता है? सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। सिलेक्ट द सेल दैट कंटेन द वैल्यूज दैट विल चेंज बिटवीन सिनेरियोज। मतलब वो सेल्स हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनकी वैल्यूज हमने चेंज करनी है सिनेरियो में। टू सिलेक्ट मल्टीपल रेंजेस, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एज यू क्लिक, यू मस्ट सिलेक्ट एटलीस्ट 2 सेल्स। तो अलग अलग डिफरेंट सेल्स सिलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल की दबा के रखनी पड़ती है एंड 2 से ज्यादा सेल्स हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे सिनेरियो बनाने के लिए। देन गो टू टूल्स मेन्यू एंड क्लिक ऑन सिनेरियो। अगर आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहे हो और टूल्स में जाओगे तो यू विल नॉट फाइंड द सिनेरियो ऑप्शन। सिनेरियो ऑप्शन तभी मिलेगी जब आपने 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को सिलेक्ट किया होगा। तो जब आप सिनेरियो पे क्लिक करोगे तो क्रिएट सिनेरियो का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें आप अपने सिनेरियो का नेम फिल करोगे एंड देन यू विल राइट द इंफॉर्मेशन और कमेंट। Optionally select or deselect the options in the settings section. Settings में जाके आप अपनी options को select या deselect कर सकते हो and then click on OK. तो आपका scenario create हो जाएगा। Multiple operations in calc. Calc में you can do the multiple operations. Calc आपको allow करता है कि आप values की एक series create कर सकते हो that depends on your input values. उसकी आउटपुट आपकी इनपुट वैल्यूज पे डिपेंड करती है। वी विल कंसीडर अ स्लाइटली इजी टाइप ऑफ व्हाट इफ सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, आपका प्रॉफिट है क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और डायरेक्ट कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो दीज फॉर्मूलाज एंड मल्टीपल ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड इन कैल्क विंडो। नाउ गोल सीक, वर्किंग बैकवर्ड्स यूजिंग गोल सीक। गोल क्या होता है? गोल मीन्स हम जो चाहते हैं करना, कि हमारी विश कि काश ऐसा हो जाए, दैट इज आवर गोल ना। गोल सीक, फॉर एग्जांपल आपने किसी से कोई चीज खरीदी और उसको 500 एक्स्ट्रा डाल के उसको सेल कर दिया, तो यू गॉट द प्रॉफिट ऑफ 500, बट यू वांट दैट योर प्रॉफिट शुड बी 1000। तो परसेंटेज निकालोगे एंड परसेंटेज को भी डबल करना चाहते हो, तो दैट you will find out what is our selling price. This selling price can be find out through goal seek method that is in tools group.
वेयर टूल्स ग्रुप ऑफ कैल्क विंडो. टूल्स में गोल सीक पे क्लिक करोगे यू विल गेट द डायलॉग बॉक्स एट पेज नंबर 132 फिगर नंबर 7.40. तो जिस सेल पे आपने चेंजेस करनी है, फॉर्मूला लगाया है, उसको सिलेक्ट करोगे, उसकी वैल्यू फॉर्मूला सेल में आ जाएगी. टारगेट वैल्यू, आप कितना प्रॉफिट चाहते हो उतना प्रॉफिट उसमें फिल करो, और जिस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो उसका सेल सिलेक्ट करो एंड ओके करो. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस और दैट वैल्यू, कि आपकी कितनी वैल्यू, आप कितने पैसों में उसको बेचो तो आपको परसेंटेज जितना चाहिए उतना मिल जाएगा. सॉल्वर, सॉल्वर इज द, व्हाट इज सॉल्वर? सॉल्वर इज द मोर इलेबोरेशन फॉर्म ऑफ गोल सीक. द डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर डील्स विद द इक्वेशन विद मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स. इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन. गोल सीक में हम लोग सिर्फ एक कॉलम, एक बार में एक ही कॉलम, एक ही सेल चेंज कर सकते हैं, लेकिन सॉल्वर में वी कैन चेंज मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स. दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन टू. सॉल्वर इज ऑल्सो इन टूल्स ऑप्शन. ओके चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू एंड टेक केयर. दिस इज योर होमवर्क. डू सेल्फ असेसमेंट ऑन पेज नंबर 134. बाय चिल्ड्रन.